मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी। फिर गोमती नगर की घटना, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है, उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। जिन लोगों का चिन्हीकरण हुआ था उसमें से चार की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें मोहम्मद अरबाज, विराज साहू, पवन यादव और सुनील कुमार शामिल हैं। लगातार टीमें दबिश दे रही हैं गिरफ्तारी हेतु, और जल्द ही वो गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। खबर तो आपको भी मिली होगी, कल लखनऊ में बारिश हुई थी, लेकिन खबर ये नहीं है जनाब। खबर तो ये है कि इस बारिश में लखनऊ की सड़कों पर केचुली उतार कर कुछ इंसानी शक्ल की कोबरे उतर आए थे। यकीन नहीं आता तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। शक्ल इंसान की है, लेकिन करतूत किसी कोबरे या शैतान से कम नहीं है, जो जहनी तौर पर इतने जहरीले हो चुके हैं कि कब अपनों को ही डस लें खुद इन्हें मालूम नहीं। लखनऊ में बारिश हुई तो इंसानी शक्ल के इन शैतानों के चेहरे से नकाब उतर गए, फिर तो ये हैवानियत ही दिखाने लगी। एक एक चेहरे को गौर से पहचान लीजिए, फिर खुद ही फैसला कीजिए, कहेंगे इंसानी नहीं। बारिश में इनके मन का शैतान जिंदा हुआ तो इनके शिकार ये बाइक सवार युवक युवती हो गए। इंसान होते तो हल्की फुल्की बारिश वाली मौज मस्ती में चुल्लू में पानी भरकर उछाल कर खुश हो लेती, लेकिन इंसान होते तब तो यहाँ तो शैतानों की झुंड इकट्ठा हो गई थी। बाइक सवार युवक युवती पर सब एक साथ मिलकर टूट पड़े, जैसे इंसानी बस्ती नहीं कोई जंगल हो जहाँ भेड़ियों के बीच इंसान फंस जाए। बददिमाग ऐसे कि इस बात का ख्याल भी नहीं कि एक महिला पर क्या गुजर रही होगी, इनकी हरकतों से वो कैसे डर रही होगी। हैवानियत की इंतहा तो तब कर दी जब पूरा झुंड बाइक को पीछे खींचने लगा, महिला पानी में लड़खड़ा कर गिर गई। महिला को आखिरकार गिराकर ही माने, मरता क्या ना करता वाली हालत उस युवक की भी थी जो भीड़ में युवती के साथ गिर गया था। हाथ जोड़ वो इन हैवानों के झुंड से बख्श देने की मिन्नत करने लगा। जिस शहर लखनऊ में गुस्सा भी तहजीब से किया जाता हो, उस तहजीब के शहर को कुछ चंद शैतानों ने शर्मसार कर दिया है। इनकी लिस्ट अब तो सीएम योगी के हाथों में पहुंच चुकी है, एक्शन लापरवाह पुलिस वालों पर भी हुआ। जो गोमती नगर की घटना, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है, उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है, और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की। सीएम योगी विधानसभा में भी इस मुद्दे पर गुस्से में नजर आए, चेतावनी भरे लहजे में सभ्य समाज के बीच छुपे इन शैतानों के लिए फरमान जारी कर दिया है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी। फिर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।